जय श्री महाकाल आदेश। तो आज का विषय है कि मंत्र जाप से सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त होती, बल्कि साधना की गई है, जितनी संख्या में मंत्र जाप बताया गया था उतनी संख्या में मंत्र जाप किया गया है, फिर भी सिद्धि क्यों प्राप्त नहीं हुई। सिद्धि का अर्थ है वो प्रयोग करता है, वो प्रयोग निष्फल हो जाता है। तो अगर वो निष्फल हो रहा है तो इसका यही कारण है कि सिद्धि नहीं हुई है। तो सिद्धि क्यों प्राप्त नहीं हुई है? कोई भी ताबीज है, कोई भी कवच है, उसको उसने निर्मित किया, वो क्यों फलित नहीं हो रहा है? जिसके लिए वो कवच बनाया गया है वो कार्य क्यों नहीं कर रहा है? तो कहीं हमने सुन लिया कि फला वृक्ष की जड़ कमर में बांधने से ये प्रक्रिया हो जाती है। जैसे मैंने एक बार बताया था कि स्वप्न दोष से बचने के लिए आप काले धतूरे की जड़ को कमर में बांध लें, और कमर में बांधने के बाद आप, बस वो प्रयोग बताया था, लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, किस नक्षत्र में उसको उखाड़ा जाए और किस नक्षत्र में उसके ऊपर कौन से मंत्र जाप किए जाए, क्योंकि डाकनी मंत्र जाप होता है उस जड़ के ऊपर, और उस जाप को संकल्पित करना होता है, और संकल्पित करने के बाद उसको उस विशेष नक्षत्र में ही जागृत किया जाता है, और जागृत करने के बाद वो जिस व्यक्ति को स्वप्न में या कहीं भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसकी ऊर्जा का क्षय करती है और स्वप्न दोष होता है, तो इस पर विराम लग जाता है, रोक लग जाती है, धीरे 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 वो ठीक होने लगता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो यही है कि आधी अधूरी बात की प्रक्रिया को ले जाना, आगे बढ़ना, उसको करना, पूर्ण तरीके से फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे ही मंत्र जाप का है कि मंत्र जाप और साधना करना सहज है, सुन लिया, समझ लिया और साधना प्रारंभ कर दी, लेकिन क्या है कि विधान की चूक की वजह से वो सिद्धि का जो प्रतिशत है वो कम रह जाता है, वो कम रह जाने के कारण ही वो साधक उसके लाभान्वित होने की प्रतिशतता बहुत कम हो जाती है। तो वो शंका में चला जाता है कि मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। मंत्र सिद्ध तो हो गया, लेकिन जो प्रायोगिक प्रक्रिया है, जो प्रयोग की ऊर्जा है, वो नहीं बन पाती, और जब वो नहीं बन पाती तब वो उस कार्य से वंचित रह जाता है, उन प्रायोगिक प्रक्रियाओं से वंचित रह जाता है। इसीलिए ये सानिध्य साधना जो होती है, तो साधक को यहीं बैठ के वो सारी प्रक्रियाएं कराई जाती हैं खड़े होकर, तब वो सभी चीजें, बड़ा सुलभ होता है ये सुनना, क्योंकि मैं एक ही साधना करवाता हूं। सानिध्य साधना कौन सी? एनर्जी रिमूवेशन, दो शब्द है एनर्जी, एक अगला शब्द है रिमूवेशन। कोई अट्रैक्टिव नहीं है, कोई उसमें रस समझ नहीं आता है, लेकिन इस प्रक्रिया की कुछ ऐसे सूत्र हैं कि लोग या साधक आते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं रहती है, वो बैठते हैं, चर्चा होती है, तो वो प्रक्रिया तो सीखते ही हैं, साथ में उनके और भी प्रश्न होते हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, और अगर उन्हें किसी विशेष साधना में रुचि है तो वो साधना भी दी जाती है, उसके प्रयोग भी बताए जाते हैं। तो करने आए थे एक साधना और प्राप्त हो गई दो तीन साधनाएं, तो अपने घर जाके उन चीजों की सही प्रक्रिया उनको नोट करा दी जाती है, वो अपने घर जाके कर लेते हैं। लेकिन मूल साधना है एनर्जी रिमूवेशन। अब एनर्जी रिमूवेशन ही पूर्ण प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि एनर्जी तो आप हटा देते हैं, लेकिन फिर जो ऊर्जा हटाई गई है उसको तो आपने बंद कर दिया, ये तो सिखाया जाता है, लेकिन फिर उसका शरीर कैसे सुरक्षित हो? अगर आप कवच लगाएंगे वो 21 दिन रहेगा, अधिकतम 41 दिन रहेगा, 41 दिन के बाद क्या होगा? 41 दिन में वो इतना ऊर्जा लेवल नहीं बढ़ा पाएगा, इतना अपना ऊर्जा चक्र या अपना आभा मंडल इतना प्रचंड नहीं कर पाएगा कि अन्य ऊर्जाएं उसके शरीर में प्रवेश ना कर पाए। वो निश्चित रूप से प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि उसका ऊर्जा बहुत कमजोर है। तो उसके लिए उसे कवच बनाना भी सिखाया जाता है उस साधक को, कि कवच किस प्रक्रिया से बनाएंगे आप, उसको धारण कराएंगे, वो कवच है माया कार्य करता है,
और 6 माह के लिए उसको बता दिया जाता है कि भैया 11 माला 5 माला तुम नवान मंत्र का जाप करते रहना, जिससे एनर्जी हटाई गई है जिस व्यक्ति के ऊपर से, यानी ग्रस्त व्यक्ति को 5 माला ओम नमः शिवाय 5 माला नवान मंत्र का जाप करना है 6 माह तक। और जब वो 6 माह तक जाप करता है तो उसका ऊर्जा लेवल बढ़ जाता है, उसका ऊर्जा प्रचंड हो जाता है, तो फिर दिक्कत नहीं रहती। ये सारे सूत्र सिखाए जाते हैं, इसके अलावा भी वो अन्य प्रयोग सीख के जाता है। मैं बगला मुखी की कैसे प्रयोग करें वो बता दिए जाते हैं। कोई और शक्ति है, जैसे कई साधनाएं मैंने YouTube पर दी हुई हैं वीडियो के माध्यम से, तो उन सभी साधनाओं के विशिष्ट सूत्र वो लेके जाता है। जैसे कोई भी साधना है, वीरमणि बद्ध साधना है, स्वर्णाकर्षण भैरव साधना है, जो स्वर्णाकर्षण भैरव को भैरव जी का बड़ा स्त्रोत है, तो वो साधना पूर्ण रूप से कार्य नहीं करती है। हाँ, लाभान्वित होगा साधक, लेकिन अगर उसका पूरा विधान उसे मिल जाए तो और अच्छा लाभान्वित होगा। तो स्वर्णाकर्षण भैरव जी के जो स्त्रोत्र हैं, मूल स्त्रोत्र हैं, स्त्रोत्र क्या है, एक तरीके से भक्ति की प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया के द्वारा जब साधक मंत्र जाप करता है, स्त्रोत्र पाठ करता है, तो फिर ऊर्जा तो इतनी हो, कृपा और ऊर्जा दोनों उसको प्रचंड रूप से प्राप्त होती है, तो वो आगे बढ़ जाता है। तो यही सारी प्रक्रियाएं हैं कि मंत्र जाप या कोई भी ताबीज गंडे जो भी हैं, वो सही प्रक्रिया ना करने की वजह से ही प्रायोगिक प्रक्रिया में विफल हो जाते हैं। और साधनाएं, अब कई ऐसी साधनाएं हैं कि जब आपकी प्रक्रियाएं थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं, तो फिर क्या है कि अनुभूति नहीं मिल पाती, लेकिन वो अनुभूति दूसरे हिसाब से हो जाती है, अनुभूति परिवर्तित हो जाती है। एक अनुभूति वो होती है कि जब आप जाप कर रहे होते हैं आंख बंद करके, तो आपको आभास होता है कि कोई टहल रहा है, आपके आगे पीछे कोई घूम रहा है, जब आप आंख खोल के देखते हैं तो कोई नहीं होता है, तो ये एक अनुभूति हो गई। एक अनुभूति ऐसी होती है कि एकदम से कान में ऐसी हवा गुजरेगी, जाप करते हुए आप आंख बंद करके जाप कर रहे, एकदम से हवा ऐसी आवाज आएगी, कान में आवाज आएगी, आप आंख खोल के देखेंगे, इस प्रकार की अनुभूति प्रतिदिन होती है, 1-2 दिन होगी, 3 दिन होगी। तो जब ये कोई अनुभूति ना हो, तो सबसे अंतिम अनुभूति है आपका शरीर गर्म होगा एकदम, तो ये भी एक अनुभूति है, आपका शरीर गर्म होगा। और जाप के मध्य में या जाप के बाद या साधना काल में बीच में कभी भी आपको फीवर हो सकता है, बुखार हो सकता है, ये भी एक अनुभूति है। और जब कुछ नहीं हो रहा है, ना आपको ब्लिंकिंग हो रही है, ना आपको रीढ़ पर कोई चीज रेंग रही है, ना आपको कान में कोई आवाज सुनाई दे रही, हवा की कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, ना आंख बंद करते हुए जाप में आप तल्लीन हैं, तो आपको किसी की टहलने की या पदचापी या पैरों की घिसटने की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, कोई प्रक्रिया ही नहीं हो रही है, तो समझ लो आपका विधान पूर्ण तरीके से गलत है, मंत्र सही होता है। मंत्र अगर गलत होगा तो एक चीज मान लीजिए, अगले दिन से ही आप जाप नहीं कर पाएंगे। और ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं घटित होंगी कि जो है बहुत भयंकर तरीके से आप बीमार हो जाएंगे, आपके दिमाग में द्वंद प्रकट होने लगेंगे, और एक तरीके से आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी हो रही है, अगर मंत्र गलत होगा। ये अलग तरीके की अनुभूतियां, ये कोई साधना अच्छी अनुभूतियां नहीं है, तो ये गलत तरीके की अनुभूतियां होंगी। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं, इन चीजों को समझना होता है। मंत्र सिद्धि क्यों नहीं हो रही है? मंत्र सिद्धि इसलिए नहीं हो रही है कि विधान आपके पास सही नहीं है बस। हाँ, मंत्र जाप की ऊर्जा बन रही है, शक्ति की कृपा आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा कम मिलेगी, लेकिन प्रायोगिक प्रक्रियाएं फिर भी नहीं समझ पाएंगे। तो यही सारी चीजें हैं। तो आज की चर्चा बस इतनी ही थी, और अगर आपको आज की चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कॉल बिफोर ऐप के माध्यम से आप कॉल कर सकते हैं, और अगर आप किसी साधारण विषय पर जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। आदेश, जय श्री महाकाल।